मैं हूं जानवी पृथ्वी और आप देख रहे हैं नव भारत टुडे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में क्लब हाउस पर वायरल हुई उनकी चैट्स को लेकर वह भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह उन वायरल चैट्स में मोदी सरकार के हटने के बाद भारत की सत्ता पर चर्चा करते पाए गए। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी रिपोर्टर के उत्तर देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो वह कश्मीरी पॉलिसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का बहाल करने पर विचार करेगी। इन सब को लेकर आज की भाजपा मुख्यालय में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता डॉक्टर संबीत पात्रा भड़क उठे। उनका कहना है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की विचारधारा एक जैसी है। उन्होंने तो यह भी कह डाला कि कांग्रेस को अपना नाम INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से ANC यानी कि एंटी नेशनल क्लब हाउस कर लेना चाहिए। इस सब के बाद संबीत पात्रा ने एक एक करके अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन के समय के बाद से कश्मीर में दिख रहे बदलाव गिनवाए, जैसे कि कश्मीर में कैसे शांति का माहौल बना हुआ है। दिग्विजय सिंह की वायरल चैट्स को उन्होंने कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा बताया और पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संधिकरण का आरोप लगाया। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, मोदी सरकार के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले ही उसके लिए पाकिस्तान और चीन का समर्थन लेना पड़े। संबीत पात्रा ने इस सब को कांग्रेस की टूलकिट का ही हिस्सा बताया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के समय पार्लियामेंट में कांग्रेस नेता के इसे बायलेटरल इशू से संबोधित करने की बात को याद दिलाया। इसके साथ साथ उन्होंने पुलवामा अटैक के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहने वाले राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिंक्स हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों से जुड़े होने की बात की। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर सही मात्रा में तैयारी सुनिश्चित न करने और केवल भारी मात्रा में विज्ञापन करने में व्यस्त रहने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि फरवरी के महीने में ही केंद्र ने उन्हें कोरोना की सेकेंड वेव को लेकर लिखित में चेतावनी दे दी थी, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए नव भारत टुडे के साथ। नव भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।